स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल बाटोदा में प्री डी एल्ड एड परीक्षा की तैयारी जारी। बाटोदा आज 29 अगस्त रविवार को बाटोदा में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में रविवार को प्री डी एल्ड एड प्रवेश परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर कार्यशाला हुई। संस्था प्रधान जतिराम मीणा ने बताया कि जिन अध्यापकों की 31 अगस्त को परीक्षा में ड्यूटी है उनको विस्तृत रूप से परीक्षा के दिशा निर्देशों के बारे में अवगत करवाया। किसी प्रकार की अनियमितता न हो इसके आवश्यक निर्देश दिए गए। प्रधानाचार्य मीणा ने बताया कि जिन छात्र छात्राओं का परीक्षा केंद्र बाटोदा मॉडल विद्यालय में है उन्हें परीक्षा के लिए आते समय मूल आईडी व मूल प्रवेश पत्र साथ लाना आवश्यक होगा। इस अवसर पर विद्यालय प्रवक्ता पवन कुमार तिवारी, भूरमल मीणा, रेवचंद मीणा, मुकेश कुमार निधि व परीक्षा ड्यूटी के लिए लगाए गए शिक्षक एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहा। पिपलाई पेट्रोल पंप के पास दो बाइक सवारों के टक्कर मारने से हुई गौवंश की मृत्यु व एक घायल तो दूसरे की मौके पर ही मौत। पिपलाई आज 29 अगस्त रविवार को लालसोट की तरफ से आ रहे दो बाइक सवारों ने पिपलाई पेट्रोल पंप के पास सड़क पर बैठे हुए गौवंश की टक्कर मारने से गौवंश की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वही दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरने से एक घायल हो गया तथा दूसरे की मौके पर ही मौत हो गई, जिसको ग्रामीणों की सहायता से सामंत चिकित्सालय लालसोट में पहुंचाया गया। मतदान को लेकर चांदनहौली निवासी राजेश मीणा व परिवार पर धारदार हथियार से हमला। चांदनहौली आज 29 अगस्त रविवार को राजेश मीणा पुत्र श्री बाबूलाल मीणा निवासी भैटा मोहल्ला ग्राम पोस्ट चांदनहौली तहसील बावनवास ने थाने में सूचना दी कि 27/8/2021 को सूर्यास्त के समय 6 से 7 बजे करीब जब हम घर के अंदर खाना खाने की तैयारी कर रहे थे तभी हमारे घर के अंदर 4 से 5 व्यक्ति आए और हमसे पूछने लगे कि वोट किसको देकर आए हो। हमने बताने से मना कर दिया तो वे अपने साथियों को आवाज़ लगाकर बुलाने लगे कि सभी हथियार लेकर जल्दी आ जाओ, आज इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुछ ही क्षण में हथियारों के साथ 20 से 25 लोग घर के अंदर आ गए और उनमें से एक के पास देसी कट्टा था जो मेरी तरफ बार बार ता रहा था। हमारे साथ बुरी तरह से मारपीट की जिसके कारण राजेश कुमार के सिर पर धारदार हथियार से वार करने के कारण सिर पर फट गया और चोटिल हो गया। वही साथी ने बाबूलाल मीणा पर डंडे से वार किया और उनका हाथ फ्रैक्चर कर दिया। भाभी को भी चोटिल किया और हथियार पर उनके हाथ की उंगलियां तोड़ दी तथा राजेश मीणा की पत्नी के सिर पर वार किया जिससे उनके सिर पर अंदरूनी चोट आई, अधमरा कर दिया। जाते हुए धमकी भी दे गए कि यदि तुमने पुलिस या थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो हम लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। न्याय आपके द्वार लोक अदालत से तुरंत न्याय की जगी उम्मीद। बावनवास में सुलह कर चेक बाउंस का मामला सुलझाया। बावनवास आज 28 अगस्त शनिवार को बावनवास न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बावनवास में चेक बाउंस मामले में 2 दिन में न्याय मिला। न्यायाधीश मदन मोहन चंदेल ने केवल 2 दिन में समझाइश का प्रकरण का निस्तारण किया गया। परिवादी पंजाब नेशनल बैंक शाखा बावनवास जरिए प्रबंधक रामफूल मीणा ने 25 अगस्त को न्यायालय में चेक बाउंस का परिवाद पेश किया। यह आरोपी मनीष कुमार राय पुत्र फूल सिंह राय निवासी बावनवास के खिलाफ मुद्रा ऋण की किस्तों को लेकर किया गया था। न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने तरता से 25 अगस्त को ही प्री काउंसलिंग के नोटिस जारी किए गए। आज परिवादी पक्ष शाखा प्रबंधक रामफूल मीणा व अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा एवं अभियुक्त मनीष राय में अधिवक्ता राम सिंह मीणा न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों के मध्य
न्यायाधीश मनमोहन चंदेल की ओर से सुलह वार्ता कर समझाइश की गई, जिसका सुखद परिणाम यह निकला कि परिवादी पक्ष पीएनबी बैंक से लोक अदालत की भावना से राजीनामा किया जाकर अभिभक्त मनीष कुमार की ओर से आज 28 अगस्त शनिवार को मुद्रा ऋण के संबंध में वंचित राशि अदा कर दिए जाने पर प्रकरण का विद्रोह किए जाने की अनुमति न्यायालय में दी गई। अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि आमजन के लिए लोक अदालत एवं न्यायालय के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। सुलह वार्ता के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। बोलिए। हाँ, पहले तो सर आपका नाम बताइए आप। मेरा नाम रामफूल मीणा है जी। मैंने अभी यहाँ बाम निवास में पिछले महीने ही ज्वाइन किया है यहाँ पे जी। ये मनीष कुमार जी ने हमारे ब्रांच से मुद्रा योजना के अंतर्गत फोटो स्टूडियो के लिए लोन लिया था जी। तो इनकी जो किस्तें थी, खाता एनपीएम चल रहा था जी सर। तो पूर्व में जो शाखा प्रबंधक थे उन्होंने प्रयास किए रिकवरी के लिए, इनको नोटिस भी दिए गए और 10,000 रुपये का इनका जो ओवरड्यू चल रहा था इनको चेक दिया इन्होंने 10,000 रुपये का। चेक बाउंस होने के बाद कोर्ट में इनका जो केस चला भी इनका, तो आज यहाँ पे कोर्ट में इन्होंने जो आके वो चेक की राशि के एवज में इन्होंने बोला कि मेरे पास 9,000 रुपये 9,000 रुपये जमा कर दिए और खाता आगे इन्होंने आश्वासन दिया कि मैं खाते को रेगुलर कर लूँगा। 7,000 रुपये अभी और ओवरड्यू चल रहा है तो आगे इन्होंने 7,000 रुपये जमा करके खाते को रेगुलर कर देंगे। ये जानकारी आप बैंक शाखा प्रबंधक से सुन रहे थे, अब हमको हम आपको मिलवाएंगे। लोन लेने वाले हैं मनीष, बताइए आप, आपका क्या कहना है इस बारे में? जी सर, मैं मनीष कुमार का है। मैंने पंजाब बैंक से लोन लिया था, मैंने टाइम टू टाइम भी राशि जमा कराई लेकिन 10,000 रुपये मेरा ओवरड्यू हो गए। ये कोरोना की वजह से मैं जमा नहीं करा पाया था, इसलिए मेरा 10,000 का चेक बाउंस हुआ और 10,000 का चेक बाउंस होने पे मैं कोर्ट में मुझे लाया गया। कोर्ट ने मुझे 1,000 रुपये की और रियायत दे के मैंने 9,000 रुपये टाइम पे जमा कराए, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और जहाँ मेरा केस 2 दिन में ही फ्री कर दिया, मैं कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।